जे आपां इन्हां नूं लताड़ांगे, इन्हां दी मंग नहीं मंगांगे मन्नांगे, यही सारे बच्चे विदेशों नूं भजदे। नाले आपां कहिंदे कि आपां विदेशों नूं बच्चे जाण नहीं देणे, और मंग की है इन्हां दी, तुसीं सारे सुन के हैरान हो जाओगे। ये कहिंदे सिर्फ जिहड़ा साडा स्टाइपेंड है मंथली, जिहड़ा सानूं 6200 रुपया मिलता वा, वह वधा के हरियाणा ते राजस्थान की तर्ज ते 17000 रुपया किया जाए। और इहदा कुल बजट, क्योंकि 100 डॉक्टर है इस वेले गडवासू दे विच, इहदा कुल बजट साल का 1,33,00,000 रुपया। इन्ना तां भगवंत सिंह मान या मंत्री संतरी इधर उधर एक दिहाड़ी च चुटकी नहीं उड़ा देंगे। किसी अफसर को पता वा कि किसान की कर रहे हैं, खेत मजदूर की कर रहा वा। दिल्ली च एसी कमरों च बैठे ब्यूरोक्रैट्स जो रिटायर्ड अफसर ने, उन्होंने तुम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कमेटी का हैड बना रहे हो, यहाँ बड़ा नलैक स्टैप नहीं हो सकता। उत्थे बनाना चाहिए कोई एमिनेंट फार्म साइंटिस्ट। इतों असल च नज़र आ गया वा कि बादल दल या बादल परिवार वो पोलीटिकली आइसोलेट हो चुके, जिहड़ियां गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबियां होईयां, जो बहबल कलां च कतल होए, जो उन्होंने पंथक आइडियोलॉजी नूं छिक्के ते टंगिया। भगवंत मान नूं मेरी बेनती कि बाकी सारे जिहड़े बयान दिंदे हो तुसीं, मूंगी वगैरह दे रखदे हो प्रोग्राम, वह पहलां बंद करो। पहलां लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नूं प्रॉपर सही लीडरशिप दिओ। इस वक्त की हो रहा कि पंजाब नूं भगवंत नूं चला रहा, भगवंत की जग, भगवंत सिर्फ डमी है, भगवंत सिंह मान सिर्फ एक उन्होंने चेहरा रखा हुआ मूहरे, उन्होंने 10:30 बजे कढ़ते बाहर तो 5 बजे वापस ले जाते हैं। इन चला वाले राघव चड्ढा वर्गे लोग ने। भगवंत मान को मेरी बेनती कि किसी दिन तो तेन खड़ना पवेगा ना, कि लम्मा पै जाएगा, जिन्ना लम्मा पेगा उन्ना तेन होर लम्मा पागे ये बाहर के जो गैर पंजाबी। इस करके स्टैंड फॉर पंजाब, एंड इफ यू स्टैंड फॉर पंजाब वी विल सपोर्ट। और असी इन बच्चों की जोड़े वेटनरी डॉक्टर्स ने जोड़े बड़ी लेजिटमेट डिमांड आ, बहुत जायज़ मंग नूं सपोर्ट करना आए हैं, और साड़ी हाथ जोड़ के निम्रता नाल मिहनत है भगवंत सिंह मान नूं, सरकार इन्हां दी मंग मन लो। ये पढ़िया लिखिया वर्ग आ, जे आपां इन्हां नूं लताड़ांगे, इन्हां दी मंग नहीं मंगांगे मन्नांगे, यही सारे बच्चे विदेशों नूं भजदे ने। नाले आपां कहिंदे कि आपां विदेशों च बच्चे जाण नहीं देने, और मंग की है इन्हां दी, तुसीं सारे सुन के हैरान हो जाओगे कि ये कहिंदे सिर्फ जिहड़ा साडा स्टाइपेंड है मंथली, जिहड़ा सानूं 6200 रुपया मिलता वा, वह वधा के हरियाणा ते राजस्थान की तर्ज ते 17000 रुपया किया जाए महीने का। वैटनरी डॉक्टर्स ने, पढ़िया लिखिया वर्ग है साडा, इन्होंने गांह सेवा करनी पंजाब की। और यदा कुल बजट, क्योंकि 100 डॉक्टर है इस वेले गडवासू दे विच, इहदा कुल बजट साल का 1,33,00,000 रुपया बन। इन्ना तो भगवंत सिंह मान या मंत्री संतरी इधर उधर एक दिहाड़ी चुटकी नहीं उड़ा देंगे ने। और तुसीं देखिया कि पब्लिसिटी के किन्ने पैसे वेस्ट किए पिछले 3 महीनों च। RTI एक्टिविस्ट ने दसिया वा कि और नॉन पंजाब स्टेट से मतलब पिछले 3 महीनों में लगभग 50 करोड़ रुपया खर्च किया, इस हिसाब से 200 करोड़ रुपया चले गया। एक पासे 200 करोड़ खर्च रहे, एक पासे 1,33,00,000 रुपया लैण लई साल दा बच्चे भुंजे बैठे ने। 497 करोड़ रुपया फ्री आटे की डिलीवरी जिहड़ी किसी ने नहीं मंगी, मंग तो ये रहे ने। ये कहिंदे साडा स्टाइपेंड दे दिओ, गन्ने के किसान कहिंदे साडा एरियर्स दे दिओ, बच्चे टेट पास ते ETT ते PTI टीचर्स कहिंदे सानूं जॉब्स दे दिओ, वो नहीं दे रहे। तो जिहड़ा किसी ने मंगया ही नहीं गा, 500 करोड़ रुपया साल का पंजाब बर्बाद कर चले आ, फ्री पिंडां च आटा जिहदे सुसरी आवे कि पिछों पिस के, और अनहाइजीनिक आटा होगा। इस करके मैं तो असी इन की मदद पर आए, और इस मैं विधानसभा च उठाऊंगा जिथे हर मुमकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इन्हों की सपोर्ट। वो तो बनता ही है विरोध जी, तुम हाउ कैन यू अपॉइंट ब्यूरोक्रैट्स टू द MSP कमेटी, इज़ इट पॉसिबल? किसी अफसर को पता वा कि किसान की कर रहे हैं, खेत मजदूर की कर रहा वा? दिल्ली च एसी कमरों च बैठे ब्यूरोक्रैट्स जो रिटायर्ड अफसर ने, उन्होंने तुम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कमेटी का हैड बना रहे हो, यहाँ बड़ा नलैक स्टैप नहीं हो सकता। उत्थे बनाना चाहिए कोई एमिनेंट फार्म साइंटिस्ट, सरदारा सिंह जौहल वर्गे, या जे डॉक्टर KS ओलक इतों लुधियाने रिटायर हुए हैं, या डॉक्टर MS बाजवा जे इतने रिसर्च के डायरेक्टर रह के गए हैं, या देश में अनेक ने, और जोड़े किसान संघर्ष वाले लीडर्स आ, उन्होंने ये मैंबरस कोऑप्ट कर, उन्हों की गल सुन, दसनगे कि खर्चा किन्ना आता इनपुट्स का, की हालात ने इस वक्त सारे साडे देश के। सो ये सरासर गलत है। सर इसके अलावा एक मनप्रीत तिवारी ने जो विरोध किया है, जो वोटिंग राष्ट्रपति की वोटिंग हो रही थी, श्रोमणी अकाली दल की ओर से बोले हम मैं नहीं बायकट किया। हाँ मैं देखा वा, बॉयकॉट नालों तो फिर चंगा होंगे कि पॉजिटिवली वोट ही पा देंगे, पर चलो उन्होंने कुछ अपना फैसला होगा। इतों असल च नज़र आ गया वा कि बादल दल या बादल परिवार वो पोलीटिकली आइसोलेट हो चुके हैं, जिहड़ियां गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबियां हुई, जो बहबल कलां च कतल होए, जो उन्होंने पंथक आइडियोलॉजी नूं छिक्के ते टंगिया, जो जिहड़ा उन्होंने फैडरलिज्म के अपने बेसिक मुद्दे नूं वध अधिकारां नूं इन्होंने जिहड़ी तिलांजलि दित्ती, इहदा हुण उन्हां दे देखो 3 विधायक सीगे, 3 चों 1 छड्ड गया वा, और मेरा ख्याल शायद उसनूं लीडर बनाया सीगा हाउस दे विच,
ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਵਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮਝੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਵਿਦਡਰਾਅ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸਾਡੀ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਪਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਫਰੀਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂਹੀਓ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਦਣ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇਗਾ। ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਸਾਡਾ ਸੀ ਐਲ ਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਦੇ ਆਰ ਟਰਾਇੰਗ ਦੇ ਬੈਸਟ ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਾਊਂਸ ਬੈਕ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਅੱਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰਟਲੀ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਰਿਵਾਈਵਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਆਉਣੇ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟਿਕਟ ਅਸੀਂ ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਪ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਜਾਣ ਜੀ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ, ਅਗਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਦੈਟ ਗੁੱਡ ਪੀਪਲ ਯੰਗਰ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਆਲ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਫਾਈਂਡ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੌਣ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ।